लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर शहर में जिस तरह से 56 दुकान को एक नया स्वरूप दिया गया है, उसी तर्ज पर अब इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को भी स्मार्ट स्वरूप दिए जाने पर विचार चल रहा है, जिसके लिए निगमायुक्त ने मार्केट व्यापारियों से चर्चा कर जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर सकते हैं। शहर के 56 दुकान को नया आकर्षक स्वरूप देने के बाद नगर निगम ने अब राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को संवारने के लिए प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि राजवाड़ा चौक, इमामबाड़ा, बड़ा सराफा, छोटा सराफा और बजाज खाना के व्यापारियों से सड़क चौड़ीकरण और स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। व्यापारियों के 2-4 दिनों के बाद अगले स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग में इस पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। वहीं अगले 1-1.5 माह में राजवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों को स्मार्ट स्वरूप देने के लिए विकास कार्य शुरू हो सकता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए, 56 के बाद राजवाड़ा एक ऐसी जगह है जो शहर की संस्कृति का केंद्र बिंदु है और इंदौर का गौरव है। हालांकि विगत वर्षों में देखने में आया है कि वहाँ का जो डिजाइनिंग है, प्लेस मेकिंग है, इस तरीके की है कि वहाँ पर अब बाहर के लोग जाकर वहाँ पर समय गुजारें या वहाँ पर देखने जाएं, ऐसा लगभग बंद हो चुका है, जिसको हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं। राजवाड़ा और जो हमारा गोपाल मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें राजवाड़ा चौक है और उसके बीच की जो गली है और सराफा है, वहाँ की हम लोगों ने प्लानिंग तैयार की है कि सारी यूटिलिटीज़ को हम लोग अंडरग्राउंड करेंगे, वहाँ पे फसाड और एलिवेशन को हम लोग यूनिफॉर्म करेंगे, और जैसा 56 में आप लोगों ने देखा है, उससे भी अच्छा प्लान हम लोगों ने राजवाड़ा के लिए बनाया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग पूरी तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, उनके साथ मिलजुल कर तय करना चाहते हैं। हालांकि जो प्लान था वो शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ में, मीडिया के साथ मैंने शेयर किया था। आज सराफा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को, आसपास के रहवासियों को मेरे द्वारा भी बुलाया गया है, उनको हम लोग पूरा प्लान दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। उसमें हमारी तरफ से ये भी अपेक्षा रहेगी कि प्राइवेट बिल्डिंग्स पे एलिवेशन के काम में जो खर्च आता है, वो उनके द्वारा जनभागीदारी से उसको शेयर किया जाए, इस संबंध में भी उनको अवगत कराया जाएगा, और जैसा भी वो लोग चाहेंगे उसी हिसाब का प्लान लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो आगामी बोर्ड मीटिंग होगी स्मार्ट सिटी की, उसमें उसको रखा जाएगा। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।